फाइनली जैसी मेरी प्रिडिक्शन थी ना वही हुआ। मुझे पता था कि बोरूटो की मांगा है ना एक दिन काफी ज्यादा जाके अच्छी होगी और वही हुआ। बोरूटो की मांगा ने है ना वन पीस की मांगा को डिफीट कर दिया है। मतलब भाई मैं इतना ज्यादा खुश हूँ ना कि कोई तो मांगा है जिसने वन पीस को डिफीट किया। वैसे वन पीस को डिफीट करने वाली पहले से ही एक मांगा है चेनसॉ मैन जो ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेंडिंग चल रही है, लेकिन जो वन पीस की सेकंड पोजीशन है ना वो अब छीन ली है बोरूटो ने। बोरूटो सेकंड मोस्ट ट्रेंडिंग मांगा बन गई है। यार मैं इतना ज्यादा खुश हूँ कि लोगों को अब बोरूटो की मांगा के अंदर इतना ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है कि वो लोग इस मांगा को इतना ज्यादा रीड कर रहे हैं कि बोरूटो को उन्होंने ट्रेंडिंग पेज के ऊपर लेके आ चुके हैं। सो हाँ, इस वीडियो के अंदर है ना हम लोग बोरूटो के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे जरूरी एक चीज जो तुम्हें करनी है वो है चैनल को सब्सक्राइब। सो यार बोरूटो की मांगा पढ़ते हुए ना मुझे ऑलमोस्ट 2-2.5 साल होने वाले हैं। जब मैंने नारुतो खत्म किया था ना फिर उसके बाद मैं बोरूटो देखने बैठा था, तब लोगों ने है ना काफी ज्यादा वहां पे लिखा हुआ था कि बोरूटो का एनीमे मत देखो, उसकी मांगा पढ़ो। तो मैंने सोचा था ना इसकी एनीमे देखने के साथ साथ है ना इसकी मांगा भी पढ़ी जाए, और जब मैंने मांगा पढ़ना स्टार्ट करी थी ना तो बोरूटो का एनीमे और उसकी मांगा है ना मुझे एक मिड सी मांगा लगी थी। लेकिन आगे जैसे जैसे भाई टाइम बढ़ता गया, बोरूटो के चैप्टर्स आते गए, कि उसके बाद बोरूटो की मांगा इतनी ज्यादा मुझे अच्छी लगने लगी थी ना। और मैं स्टार्टिंग में ही सोचता था कि यार बोरूटो कभी भी है ना इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाएगी जितना नारुतो हुआ था अपने पुराने टाइम में। लेकिन वो चीज है ना बोरूटो की मांगा ने अब वापस साबित कर दिया है कि भाई वो नारुतो का ही पार्ट है। उसने है ना नारुतो जैसे ही है ना अपना इतना ज्यादा फैन बेस बड़ा बना लिया है ना अपने मांगा कम्युनिटी के अंदर के लोग उसे अब इतना ज्यादा पसंद करते हैं। जो रिसेंट के अंदर जो नए मांगा चैप्टर्स आए थे उसके वजह से बोरूटो बहुत ज्यादा मजेदार हो चुका है। और बोरूटो की स्टोरी है ना जितनी भी स्टार्टिंग से लेके अभी तक हम देखते हुए आ रहे थे ना उस टाइम पे तो बहुत कमजोर लग रही थी स्टोरी, कि ऐसा लग भी नहीं रहा था कि बोरूटो का यार कुछ होगा भी आगे। तो भाई मुझे ऐसा भी लगा था कि बोरूटो बंद होने वाला है कुछ सालों के अंदर, बोरूटो को कोई देखेगा भी नहीं। लेकिन भाई जैसे जैसे टाइम बढ़ा बोरूटो के अंदर उसका एक्शन और उसकी स्टोरी बहुत ज्यादा मस्त होती गई। लेकिन ये वाला जो पूरे ट्रेंडिंग के पेजेस है ना ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड के हैं। अगर तुम सिर्फ है ना जापान की बात करोगे ना तो जापान में अभी भी है ना वन पीस ही ट्रेंडिंग पे है, क्योंकि यार वन पीस है ना वहां पे मतलब काफी ज्यादा लोगों को पसंद है, तो इसलिए कोई है ना उसको डिफीट भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड की बात करी जाए, क्योंकि यार हम यहाँ पे पूरे वर्ल्ड को देख रहे हैं ना कि सिर्फ जापान को, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर है ना अभी तीन मांगा सबसे ट्रेंडिंग पे है। सबसे पहले नंबर पे है चेनसॉ मैन जो यहाँ पे ट्रेंडिंग वन पे होना डिजर्व करती थी मुझे ऐसा लगता है, दूसरी है बोरूटो और तीसरी है वन पीस। लेकिन ना ये मत सोचो कि वन पीस का है ना इतना ज्यादा अभी फैन बेस खत्म हो चुका है, बोरूटो का बस अभी रीसेंट के अंदर ही आया है। और वन पीस के अंदर जितने भी अभी चैप्टर्स चल रहे हैं ना तो मांगा रीडर्स को पता होगा उसके अंदर कौन सा वाला आर्क चल रहा है, और जितने भी अभी उसके अंदर आर्क चल रहे हैं ना जितना भी चैप्टर्स चल रहे हैं धीरे धीरे जैसे जैसे वन पीस की जो स्टोरी है ना वो एक बार स्पीड पकड़ लेती है ना फिर भाई उसको कोई रोक नहीं सकता। तो मुझे लगता है अभी है ना ये सिर्फ कुछ एक या दो महीने की बात है जब तक वन पीस के कोई ऐसे चैप्टर्स नहीं आ रहे जो बहुत ही ज्यादा हाइप हो जाए और उसके अंदर बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसे मैसिव एक्शन देखने को मिले या फिर बहुत बड़ा खुलासा हो कुछ वन पीस ट्रेजर से लेके कुछ रिलेटेड। अगर इतना बड़ा कोई चीज नहीं होती है ना तब तक मुझे नहीं लगता कि वन पीस मांगा दोबारा से बोरूटो को टेक ओवर कर पाएगी। लेकिन अगर उसने कर लिया ना तो मुझे ऐसा लगता है बोरूटो उसके बाद भी है ना इसको अच्छी तरीके से और भी ज्यादा टेक ओवर कर लेगा, क्योंकि बोरूटो का अभी तो यार टाइम स्किप बचा है, इतनी सारी चीजें बची है। बोरूटो आगे जाके किसके साथ ट्रेनिंग करेगा और जो भी चीजें उसकी लाइफ में हो रही है वो उस चीज को किस तरीके से हैंडल करेगा, क्योंकि यार अभी जो बोरूटो के अंदर स्टोरी ना बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग है बोरूटो के लिए, क्योंकि उसकी लाइफ के अंदर यार अब कुछ नहीं बचा, पूरे उसके कोनोहा विलेज के लोग उसके वर्सेस खड़े हो चुके हैं और बोरूटो के पास है ना अब अपने दोस्त कहने वाले भी बहुत कम लोग बचे हैं। सबसे पहले उनमें सारदा और दूसरी है अपनी क्लास प्रेसिडेंट सुमिरे, इन दोनों के अलावा ना बोरूटो को अब कोई भी नहीं जानता। और तुम्हें क्या लगता है बोरूटो इन सब चीजों को बहुत आराम से हैंडल कर पाएगा? नहीं भाई, मुझे तो नहीं लगता है बोरूटो इन सब चीजों को बहुत आराम से हैंडल कर पाएगा, क्योंकि उसकी लाइफ है ना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। और जैसी भी चीजें है ना हमने भाई बोरूटो की स्टार्टिंग के अंदर देखी थी ना वो अब जाके साफ पता चल रही है कि क्यों पूरे कोनोहा विलेज को डिस्ट्रॉय किया गया है और सारे ही होकागे के स्टोन फेजेस को तोड़ के उसके ऊपर बोरूटो और कावाकी फाइट कर रहे हैं। अब जाके पता चल रहा है कि भाई क्यों होगी बोरूटो के अंदर इतनी ज्यादा मैसिव लेवल वाली आगे जाके फाइट कावाकी और बोरूटो के बीच में। और मुझे ये लगता है ना हिनाटा या नारुतो में से इन दोनों में से है ना किसी एक ना एक की तो आगे जाके फ्यूचर में डेथ जरूर होगी। लेकिन यहाँ पे ना एक बंदे की डेथ तो जरूर होने वाली है, वो है सास्के, क्योंकि मुझे पता है सास्के है ना इतना ज्यादा अच्छा एक टीचर है ना, वो भले ही दिखाता नहीं है कि वो बहुत ही ज्यादा ऐसे स्ट्रिक्ट है टीचर, लेकिन भाई वो उसके बेस्ट फ्रेंड का बेटा है, मतलब जो बहुत ज्यादा उसकी लाइफ में मैटर करता है फ्रेंड नारुतो उसका
बेटा है बोरूटो, तो वो उसको है ना कुछ होने नहीं देगा। मुझे इतना ज्यादा आगे जाके श्योर हूँ कि कैसे ना कैसे करके बोरूटो है ना सास्के की मेमोरीज वापस लेके आएगा और फिर सास्के और कवाकी या फिर किसी ना किसी के बीच में फाइट होगी जिसके अंदर सास्के की डेथ होगी और सारदा उसके बाद मांगी की और शारिंगन अचीव कर लेगी और फिर उसके बाद वो कटाना और जैकेट बोरूटो को मिल जाएगी। तो हाँ, मैं तो यार बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ बोरूटो के फ्यूचर के लिए। तुम लोग हो या नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर तुम लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है ना तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, जिन्हें एनिमे वीडियोस देखना पसंद है उनके साथ शेयर करना और उनको बोलना कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम 500 सब्सक्राइबर्स के ना बहुत ही ज्यादा करीब है, तो फटाफट से वो टारगेट हिट करवा दो। सो बस यार आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा तुम लोगों से एक और नई किसी वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।